हेलो एवरीवन वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है जो हमारी क्लास सिक्स हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है दैट इज आवर पास्ट वन इसमें हम लोग चैप्टर नंबर वन कंप्लीट कर चुके हैं और पिछले पार्ट में हम लोग चैप्टर नंबर टू को भी स्टार्ट कर चुके हैं जो चैप्टर है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड और इसमें हमने शुरुआत में ये देखा कि जो हंटिंग गैदरिंग है या जो हंटर गैदरर्स हैं वो ट्रैवल क्यों किया करते थे उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने के पीछे क्या पर्पज़ होता था वो हम लोगों ने देखा था उसके बाद हमने कुछ पीरियड्स की बात की लाइक पैलियोलिथिक मीजोलिथिक हैं और न्योलेथिक फिर हमने ये देखा कि पैलियोलिथिक का जब एंड हो रहा था लगभग आज से 12000 साल पहले और जब आपका न्यू आप कह सकते हैं मीजोलेथिक की स्टार्टिंग हो रही थी उसी समय लोगों के मन में जो विचार आया वो ये आया कि जो जानवरों को मारते हैं उन जानवरों को पाला भी जा सकता है उन जानवरों की हर्डिंग रेयरिंग भी की जा सकती है तो वहां से लोगों के मन में ये विचार आना शुरू हुआ तो वहीं से फिर हमने आगे इस चैप्टर को आज कंटिन्यू करना है तो चलिए चैप्टर पर चलते हैं तो देखिए यहां से हमें इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करना है दैट इज द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग अब यहां पर फार्मिंग की यानी कि एग्रीकल्चर की भी शुरुआत हो रही है और हर्डिंग की यानी कि जो जानवर पालने हैं उनकी भी शुरुआत होने लगी है अब ये ऐसा समय था जहाँ पर सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस कुछ ऐसी घास जिनमें ग्रेन्स हुआ करती थी जैसे कि वीट गेहूं हो गया बारले हो गया राइस हो गया ये नेचुरली ग्रो करना शुरू करती है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ठीक है कि ऐसी ग्रासेस जो ग्रेन बियरिंग ग्रासेस हैं वो नेचुरली अपने आप उगना शुरू होती हैं सब कॉन्टिनेंट के कुछ पार्ट में अब जो लोग थे यानी कि मैन वीमेन चिल्ड्रन है ना आदमी औरत बच्चे इन्होंने इन ग्रेन्स को कलेक्ट किया फूड के तौर पर और उसके बाद ये सीखा या ये जाना कि ये कब उगती हैं इनका जो सीज़न वगैरह है वो कब उगती हैं और कब ये जो ग्रेन्स हैं वो पकती है इन राइप होती हैं तो ये सारी चीज़ें लोगों ने जानना शुरू किया अब उसके बाद इसके बाद मतलब जब ये चीज़ें लोगों को पता लगी तो लोगों ने ये फिर सीखना शुरू किया या ये उनके मन में विचार आने लगा कि क्या इन प्लांट्स को हम खुद भी तो उगा सकते हैं ये नेचुरल तो उग रही थी लेकिन इनको हम खुद भी तो उगा सकते हैं और इस तरीके से लोग जो हैं वो क्या बन गए फार्मर्स बन गए लोग जो है वो अब एग्रीकल्चर उन्होंने शुरू कर दिया अब साथ ही साथ लोग जो है उन्होंने जानवरों को भी पालना शुरू किया और वो कैसे लोगों ने पहले जानवरों को अपने शेल्टर्स के तरफ अट्रैक्ट किया उनको बुलाया और वो कैसे बुलाया कि उनके लिए अपने घरों के बाहर कुछ खाना रखना शुरू किया रखते है ना जैसे रखता ही ना कि जानवरों के लिए थोड़ा सा कुछ अनाज रख दिया कुछ रख दिया तो उस तरह की चीज़ें लोगों ने रखनी शुरू करी है ना लोगों को जानवरों को अट्रैक्ट किया और उनको फिर पालना शुरू किया अब जो पहला एनिमल यहाँ पर पाला गया है दैट वॉज दी वाइल्ड एनसेस्टर ऑफ द डॉग ठीक है जो डॉग होता है उसका वाइल्ड एनसेस्टर ये फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड है ये ध्यान रखिएगा फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज वाइल्ड एनसेस्टर ऑफ डॉग उसके बाद लोग एनकरेज हुए कि जो एनिमल्स थोड़ा सा और जेंटल हैं उनको जो है अपने कैंप्स के नजदीक आने दिया गया इस तरीके के एनिमल्स जैसे कि शीप है ना भेड़ है या गोट है कैटल है या फिर पिग्स वगैरह जो है वो भी हर्ड्स में रहने लगे और उनमें से ज़्यादातर ऐसे जानवर थे जो घास खाते थे तो इस तरीके के लोगों इस तरीके के जानवरों को लोगों ने पालना शुरू किया अब लोग इस तरीके के जानवरों को बाकी जो वाइल्ड एनिमल्स हुआ करते थे उनसे भी बचाया करते थे क्योंकि अदरवाइज अब जैसे कोई गोट है या कैटल है या शीप है उसको तो अगर आसपास कोई शेर होगा तो वो मार के खा जाएगा तो इसलिए इन जानवरों को भी प्रोटेक्शन दिया गया और इस तरीके से लोग जो है वो क्या बन गए हर्डर्स बन गए तो पहले लोग क्या बने फार्मर्स और उसके बाद फिर वो जो उनके पास ग्रेन्स वगैरह थी या जो खाना वगैरह उनके पास था उसको वो उसके थ्रू वो एनिमल्स को अट्रैक्ट किया करते थे एनिमल्स को अपने शेल्टर के पास बुलाया करते थे और फिर धीमे धीमे उनको टेम करना पालना लोगों ने शुरू कर दिया ठीक है तो इस तरीके से लोग जो हैं वो फार्मर्स बने और इस तरीके से लोग जो हैं वो हर्डर्स बने ठीक आई होप क्लियर है चलिए अब इसके बाद आगे अगर देखें तो यहाँ पर एक बॉक्स में एक चीज़ दी गई है दैट इज़ डोमेस्टिकेशन कि डोमेस्टिकेशन क्या होता है देखो डोमेस्टिकेशन एक ऐसी प्रोसेस को नाम दिया गया है जिसमें लोग क्या करते हैं प्लांट्स ग्रो करते हैं प्लांट्स उगाते हैं और एनिमल्स को लुक आफ्टर करते हैं मतलब जानवरों की देखभाल करते हैं और कई बार या वेरी ऑफन बहुत बार प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाई पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत बार ऐसा होता है कि जिन जानवरों को या जिन प्लांट्स को मतलब जो लोग देखभाल करते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स जो वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनसे अलग हो जाते हैं जंगली पेड़ पौधों से जंगली जानवरों से ऐसे जानवर या ऐसे पेड़ पौधे अलग हो जाते हैं जिनको लोग जिनका देखभाल कर रहे हैं ठीक है ऐसा क्यों है दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन क्योंकि लोग जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स को सेलेक्ट करते हैं चुनते हैं डोमेस्टिकेशन के लिए अब जैसे जानवर की अगर मैं बात करूं तो शेर को तो कोई डोमेस्टिकेट नहीं करेगा उसको तो कोई नहीं पालेगा केटल को पाल सकता है गोट को पाल सकता है जो थोड़ा सा जेंटल है है ना जैसे कि वो इस तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स को चुना करते थे दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीजे वो ऐसे जानवरों को चुना करते थे जिनमें बीमारी होने का खतरा कम था दे आर नॉट दोज आर नॉट प्रोन टू डिजीजेस जिनमें बीमार होने का खतरा कम था साथ ही साथ वो ऐसे प्लांट्स चुना करते थे जिनमें जो ग्रेन है वो काफ़ी बड़ा होता था लार्ज साइज ग्रेन होता था जिनके जो स्टॉक्स हैं स्टॉक्स मतलब जो प्लांट के तने होते हैं ठीक है जो स्टेम होता है वो थोड़ा सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग है ताकि वो राइप ग्रेन का जो वेट है वो बियर कर सकें उसको झेल सकें तो इस तरीके के प्लांट्स को चुना गया फिर इस तरीके के जो सेलेक्टेड प्लांट्स से, हैं उनके जो सीड्स हैं उनके जो बीज हैं उनको लोगों ने प्रिजर्व करना शुरू किया और बाद में फिर उन्हीं बीजों को लोग क्या करने लगे बोने लगे सो करने लगे ताकि ये इंश्योर हो सके कि जो नए प्लांट्स हैं उनकी जो क्वालिटी है वो भी कैसी होगी जैसे कोई लार्ज ग्रेन लार्ज साइज वाले ग्रेन का प्लांट है तो उसके सीड्स लोगों ने प्रिजर्व कर लिए और बाद में उसी को उगा दिया सो दैट कि वो ये इंश्योर हो कि जो अगली फसल होगी उसमें भी जो ग्रेन का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होगा ठीक है अब एनिमल्स में अगर हम बात करें तो दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फ्रॉम बिल्डिंग तो ये तो प्लांट्स की बात हो गई कि किस तरीके के प्लांट्स को सेलेक्ट किया गया अब जानवरों में भी ऐसे एनिमल्स को जो है वो सेलेक्ट किया गया है जो जेंटल है है ना वही मैंने बताया कि जिनको पालना आसान है जो आदमी के साथ ह्यूमंस के साथ ना करें तो एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकेम डिफरेंट फ्रॉम तो वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स और फिर समय के साथ साथ धीमे धीमे क्या हुआ कि जो ग्रेजुअल जो एनि वाइल्ड एनिमल्स हैं वो वाइल्ड मतलब वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और प्लांट्स से अलग हो गए जैसे कि हम बात करें कि टीथ और हॉर्न्स वाइल्ड एनिमल्स के वाइल्ड एनिमल्स के चाहे दांत हो चाहे उनके सींग हो वो यूजुअली जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनसे बड़े होते हैं जैसे यहाँ पर आपको दो सेट्स ऑफ टीथ दिखाए गए हैं तो इसमें से कौन सा जो है वो डोमेस्टिक पिक का हो सकता है और कौन सा वाइल्ड पिक का हो सकता है ये आप देख के पता लगा सकते हैं कि जो थोड़ा सा छोटा वाला है वो डोमेस्टिक का होगा जो बड़ा वाला है वो वाइल्ड का होगा है ना अब इसके बाद डोमेस्टिकेशन जो है वो ग्रेजुअली एक ग्रेजुअल प्रोसेस है सब जगहों पर एक साथ नहीं होता है धीमे धीमे होना शुरू होता है लगभग आज से बारह हजार साल पहले शुरू होता है वही जब पेल्योलिथिक पीरियड एंड हो रहा है जब मीजोलिथिक पीरियड की शुरुआत हो रही है बारह हजार साल पहले तो वहीं से डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट होता है और आज की डेट में जितने भी प्लांट्स और एनिमल प्रोड्यूस जो हम यूज करते हैं फूड के रूप में वो उसी डोमेस्टिकेशन का नतीजा है कि वहाँ पर जब डोमेस्टिकेशन होना शुरू हुआ एनिमल्स का प्लांट्स का तो उन्हीं के प्रोडक्ट्स हम लोग आज भी यूज़ कर रहे हैं और सम ऑफ दी अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड कौन कौन से प्लांट्स को पहले डोमेस्टिकेट किया गया जैसे कि वीट है बार्ले है ये और जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे उनमें शीप था गोट था ठीक है शीप हो गया गोट हो गया या जैसे वाइल्ड एनसेस्टर एनसेस्टर ऑफ अ वाइल्ड डॉग मैंने आपको बताया कि अर्लीस्ट टेम्ड एनिमल था तो इस तरीके के एनिमल्स को उन्होंने डोमेस्टिकेट करना आप धीमे धीमे शुरू किया ठीक है इसके बाद आगे देखिए अ न्यू वे ऑफ लाइफ अब इसके बाद क्या हो रहा है कि अगर आप इसमें लिखा है कि अगर आप एक सीड को प्लांट करते हैं तो आप ये नोटिस करेंगे कि उसको कुछ टाइम लगता है उगने के लिए ठीक है आप ये चीज नोटिस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आपने किसी भी फल का किसी भी ग्रेन का अगर कोई बीज सो किया है उगाया है तो वो तुरंत तो बड़ा नहीं हो जाएगा उसको ग्रो होने में कुछ टाइम लगेगा अब ये टाइम जो है वो कुछ दिनों का भी हो सकता है कुछ हफ्तों का हो सकता है कुछ महीनों का हो सकता है और कोई बहुत बड़ा पेड़ अगर आपने लगाया है उसका बीज तो कई साल भी लग सकते हैं और जब लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया तो इसका मतलब ये था कि उनको एक ही जगह पर दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम क्योंकि आपने अगर कोई प्लांट लगाया है तो उस प्लांट की आप देखभाली भी करेंगे है ना उस प्लांट में पानी भी देंगे है ना उस प्लांट की लुक आफ्टर करेंगे उसमें वाटरिंग करेंगे वीडिंग करेंगे वीडिंग मतलब जो वीड्स वगैरह होती हैं खरपतवार होती है वो भी आपको निकालनी पड़ेगी आप उस पेड़ के या पौधे के आसपास से जानवरों को बर्ड्स को भगाएंगे भी तब जब तक उसकी ग्रेन्स पक नहीं जाती तो इसलिए लोगों को जो है वो अगर जब उन्होंने ये चीज़ें करनी शुरू की तो वो एक ही जगह पर उनको लंबे समय तक रहना पड़ा और उसके बाद फिर जब वो सब चीज़ें हुई मतलब जब ग्रेन्स वगैरह पक गई राइप हो गई तो उसके बाद फिर उन ग्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता था अब इससे भी एक चीज और होगी देखो अभी आगे क्या होगा वो आगे अब समझेंगे एज ग्रेन्स है रेडी है तो उन ग्रेन्स को स्टोर करना पड़ेगा दोनों पर्पज है एक तो पर्पज है खाने के लिए ठीक है वन पर्पज वॉज फूड सेकेंड पर्पज वॉज एज सीड क्योंकि अगले सीजन में भी तो उसको ग्रो करेंगे तो दोनों पर्पज के लिए सीड को स्टोर करना है अब लोगों को यह सोचना पड़ा कि क्या तरीके हो सकते हैं कि कैसे इन सीड्स को मतलब इन ग्रेन्स को स्टोर किया जाए कुछ एरियाज़ में उन्होंने बड़े बड़े क्या करना है लार्ज क्ले पॉट्स बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए उसमें उसको इकट्ठा करना शुरू किया कहीं पर उन्होंने जो है वो बास्केट्स वीव किए है ना बास्केट्स बुनने शुरू किए और कहीं पर उन लोगों ने क्या किया कि गड्ढे खोदने शुरू किए ग्राउंड में डग पिट्स बड़े बड़े गड्ढे खोदने शुरू किए और वहाँ पर उन्होंने ये जो है ग्रेन्स को स्टोर करना शुरू किया अब इसके बाद एक और पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टोरिंग एनिमल्स अब एनिमल्स के केस में तो देखो जैसे प्लांट्स के केस में मैंने आपको बताया कि प्लांट्स को तो आपको उसकी सीड के थ्रू उगाना पड़ेगा उसकी रखवाली करनी पड़ेगी देखभाल करनी पड़ेगी पानी डालना पड़ेगा है ना उससे जानवरों को चिड़ियाओं को दूर रखना पड़ेगा तभी जाके वो ग्रेन्स ग्रो कर सकती हैं लेकिन एनिमल्स का ऐसा नहीं है एनिमल्स तो अपने आप नेचुरली मल्टीप्लाई करेंगे है ना एनिमल्स का आपस में जो है वो रिप्रोडक्श रिप्रोडक्शन होगा प्रोसेस होगी तो उसके बाद एनिमल्स अपने आप मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ इफ दे आर लुकड आफ्टर केयरफुली अगर आप जानवरों की अच्छे से देखभाल करते हैं तो वो आपको मिल्क प्रोवाइड करेंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है मीट प्रोवाइड करेंगे जब भी आपको ज़रूरत है यानी कि आप कोई जानवर पाल रहे हैं जब भी आपको मीट की ज़रूरत है आप उस जानवर को मार भी सकते हैं और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज एज ए स्टोर ऑफ फूड क्योंकि एनिमल में भी तो फूड है ना जैसे मीट है या एनिमल का अगर आपको मिल्क दे रहा है तो वो एक तरीके से फूड को स्टोर किया हुआ है तो एनिमल जो है उसको भी एज ए स्टोर ऑफ फूड यूज किया जाता था अब इसके बाद फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स की अगर हम बात करें तो फिर से ये कह रहा है कि उसी मैप पे जाओ और उस मैप पर आप ऐसी जगह ढूंढो जहां पर ब्लू स्क्वायर्स बने हुए हैं वो मैंने आपको न्यूलिथिक साइट्स आई थिंक दिखाई थी मैं फिर से एक बार ले चलता हूँ ब्लू स्क्वायर्स वाली साइट्स देखेंगे वहाँ पर बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट को किस चीज़ के एविडेंस मिले हैं अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स के जो मैंने आपको रेड ट्राइंगल्स वाली साइट दिखाई थी वहाँ पर हमें एविडेंस मिले हैं किसके वहाँ पर एविडेंस मिले हैं हंटर्स गैदरर्स के ब्लू स्क्वायर्स की जो जगह है दैट इज न्योलिथिक साइट्स यहाँ पर हमें एविडेंस मिले हैं फार्मर्स और हर्डर्स के ये बहुत सारी जगह हैं जैसे देखो यहाँ पर दिया गया है आपको बुर्ज होम दिख रहा है आपको मेहरगढ़ दिख रहा है महागढ़ा दिख रहा है कोल दीवा दिख रहा है चिरान दिख रहा है हाउजली दाउजली हेडिंग दिख रहा है ठीक है इसके बाद हल्लूर हो गया पायमपल्ली हो गया ये सारी ऐसी जगह हैं जहां पर एविडेंस पाए गए हैं किस चीज के किस चीज के हर फार्मिंग और हर्डिंग के फार्मर हर्डर्स यानी कि लोग एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं और जानवर भी पाल रहे हैं ये ऐसी जगहों पर यहां पर आर्क्योलॉजिस्ट को इन चीजों के एविडेंस या साक्ष्य या सबूत मिले हैं ठीक है देखो ये जो जगह है ना वैसे तो खैर अभी बहुत बेसिक है बट फिर भी थोड़ा बहुत अगर आप इन जगहों को याद रखोगे कि कहां पर हैं या किस एरा से ये बिलोंग करते हैं किस पीरियड को ये बिलोंग करते हैं तो आगे धीमे धीमे ना चीजें थोड़ा सा आपके माइंड में रहेंगी भी और चीजें याद रखना समझना आसान भी होगा तो इसलिए अभी जो जगह आपको दिख रही हैं वो आप याद रखें ठीक है या बेसिक इस तरीके से एक रफ मैप वगैरह बना लें अपने नोट्स में और वहां पर इस तरीके की जगहों को थोड़ा सा मार्क करके रखें है ना जैसे ही मैंने आपको ये बताया जैसे यहां पर लिखा है पेल्योलिथिक साइट्स तो आप पेल्योलिथिक साइट्स के आगे ये भी लिख सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ था यहाँ पर एविडेंस मिले थे हंटर गैदरर्स के फिर जैसे ये न्यूलिथिक साइट्स हैं तो यहां पर एविडेंस मिले हैं फार्मर्स हर्डर्स के तो ये थोड़ा थोड़ा इस तरीके से अगर आप चाहें तो यहां पर नोट भी कर सकते हैं ठीक है आई होप क्लियर है बात चलो इसके बाद आगे देखो क्या लिखा है आगे लिखा है ये मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं किसके अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स के अब ये जगह दे आपने देखा कि नॉर्थ में भी है ईस्ट की तरफ भी है साउथ की तरफ भी है तो ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट ये जगह देखने को मिल रही हैं इनमें से जो सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस हैं वो नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने को मिली मैंने आपको उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान के वहाँ पर मेहरगढ़ एक जगह दिखाई प्रेजेंट डे कश्मीर में मैंने आपको जगह दिखाई कौन सी बज होम याद रखें ईस्ट में मैंने आपको जगह दिखाई ठीक है वो आपका दाऊजली हार्डिंग और वो सब साउथ में मैंने आपको जगह दिखाई है ना पायमपल्ली और वो सब तो सब जगह पर है नॉर्थ वेस्ट में भी है नॉर्थ में भी है है ना साउथ में भी है ईस्ट की तरफ भी है तो हर जगह ये जगह ये साइट्स देखने को मिल रही हैं अब टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स फॉर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स साइंटिस्ट यूज एविडेंस ऑफ प्लांट एंड बोन्स अब ये पता लगाने के लिए कि क्या ये जगह यहाँ पर फार्मर्स और हर्डर्स के सेटलमेंट्स थे या नहीं थे मतलब यहाँ पर फार्मर्स हर्डर्स रहते थे या नहीं थे वहां पर साइंटिस्ट ने क्या किया है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स की बोन्स मिली हैं उनके एविडेंस को स्टडी किया है अब वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स सबसे जो एक इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग फाइंड यहाँ पर मिला है दैट इज द रिमेन्स ऑफ बर्नड ग्रेन यानी कि कुछ जली हुई ग्रेन्स मिली हैं अब या तो हो सकता है कि वो एक्सीडेंटली जल गई हूँ और या फिर उनको जानबूझ जलाया गया हो तो साइंटिस्ट जो है वो इन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ठीक है मतलब फार्मर्स पर ये जो साइंटिस्ट हैं वो पता लगा सकते हैं कि ये ग्रेन्स वगैरह कौन सी हैं तो उससे पता लगेगा कि किस रीजन में कौन सी ग्रेन उगती थी और साथ ही साथ अलग अलग जानवरों की जो बोन्स है जो हड्डियां हैं उसके बारे में भी पता साइंटिस्ट ने लगाया है अब इसके बाद हम आएंगे सेटल्ड लाइफ की तरफ क्योंकि देखो अब सब कुछ हो गया जानवर पालना लोग सीख गए लोग फार्मिंग करना सीख गए तो अब क्या बचा है अब तो लोग एक जगह पर रहेंगे ना लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे शुरुआत में देखा था ना कि हंटर गैदर एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे पानी की तलाश में जानवरों की तलाश में है ना जो फ्रूट्स वगैरह हैं उसकी तलाश में सीजनल फ्रूट्स होते थे अब तो लोग खुद ही अपनी जगह पर चीज़ें उगाना सीख गए फार्मिंग करना सीख गए जानवरों को पालना सीख गए तो अब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल क्यों करेंगे उनका जो सोल पर्पज था ट्रैवल का या एक तरीके से आप कहिए जो सोल कंपल्शन था जो मजबूरी थी वो तो दूर हो गई अब वो एक ही जगह पर रहना शुरू करेंगे ठीक है आप देखो आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस जो है वो कुछ साइट्स में पाए हैं मतलब जहां पर लोगों ने कुछ घर बनाए कुछ झोपड़ियां सी बनाई अब जैसे कि बुर्ज होम में बताया जो आज की डेट में कश्मीर में है वहां पर लोगों ने पिट हाउसेस बनाना शुरू किए पिट हाउसेस जो है वो क्या करते थे लोग की जमीन में गड्ढे करते थे ठीक है लोग क्या बनाते थे पिट हाउसेस और पिट हाउसेस में लोग क्या करते थे मैंने बताया कि ज़मीन के अंदर गड्ढे बनाया करते थे और उस गड्ढों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी अब ये जो पिट हाउसेस है ये लोगों को कोल्ड वेदर में जब ठंडे का मौसम होता था तो उस समय आसरा या शेल्टर प्रोवाइड करते थे आर्क्योलॉजिस्ट ने ये भी पाया है कि इन हर्ट्स के अंदर कुकिंग हर्ट्स हुआ करते थे यानी कि जो खाना बनाने का आप चूल्हा कह सकते हैं खाना बनाने की भट्टियाँ कह सकते हैं उसके भी कुछ एविडेंस यहाँ पर मिले हैं और डिपेंड और ये भी ध्यान रखेगा कि ये जो कुकिंग हर्ट्स मिले हैं ये इनसाइड में भी मिले हैं एंड हर्ड्स के आउटसाइड भी मिले हैं तो इसका मतलब क्या है कि लोग जो हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर लोग मौसम के हिसाब से ठीक है सर्दी का मौसम है या गर्मी का मौसम है उसके हिसाब से लोग जो हैं वो खाना पकाया करते थे अंदर भी पकाया करते थे बाहर भी पकाया करते थे अगर मान लीजिए सर्दी का मौसम है तो लोग घर के अंदर खाना पकाएंगे अगर गर्मी, गर्मी का मौसम है तो लोग घर के बाहर खाना पकाएंगे तो इस तरीके से जो ये कुकिंग हर्ड्स हैं या खाने बनाने की जो चूल्हे हैं या भट्टियाँ हैं वो घर के अंदर भी मिली हैं और घर के बाहर भी मिली हैं ठीक इसके बाद देखिए आगे अगर हम बात करें स्टोन टूल्स की स्टोन टूल्स जो हैं वो भी कई सारी साइट से मिले हैं मैनी ऑफ दीज आर साइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दी अर्लियर पेल्योलिथिक साइट्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड न्योलिथिक साइट्स ठीक है इनमें से ज़्यादातर साइट्स ऐसी हैं जो पेल्योलिथिक साइट्स की जो, जो टूल्स की साइट्स थी वहाँ से काफ़ी अलग हैं इसीलिए इनको न्योलिथिक साइट्स कहा गया है अब इस साइट्स में जो टूल्स मिले हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके के टूल्स हैं ठीक है कैसे हैं देखो ये एक तरीके से पॉलिश टूल्स हैं ठीक पॉलिश टूल्स हैं और इनमें फाइन कटिंग एज मतलब धार सी है एक तरीके से मोटार्स एंड पेस्टल्स हैं ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए अब मोटार्स और पेस्टल क्या होता है ये मैं आपको अगर एक इमेज के फॉर्म में ढूंढ के दिखाऊं तो आई होप आप इसको सबसे बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे आपने देखा होगा ना वो मैं दिखाता हूँ समझ में आएगा ये ये देख रहे हैं दिख रहा है ये क्या चीज़ है जिसमें मसाले कूटे जाते हैं आज भी घरों में इसका इस्तेमाल होता है बट आज की डेट में तो ये काफ़ी फ़ाइन क्वालिटी के मार्बल्स वगैरह के इस तरीके के मिलते हैं मेटल्स के भी मिलते हैं बट उस समय वो थोड़ा सा रफ क्वालिटी के होते होंगे बट दिस इज़ नोन एज मोटार्स एंड पेस्टल्स ठीक है कि मोटार्स एंड पेस्टल्स का इस्तेमाल किस लिए होता था ग्रेन्स वगैरह को ग्राइंड करने के लिए भी ठीक है आज की डेट में तो जनरली इनको स्पाइसेस वगैरह मसाले वगैरह कूटने के लिए यूज़ करते हैं बट उस समय ये ग्राइंड ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए यूज़ किया जाता था और बाकी जो प्लांट प्रोड्यूस हैं उसको ग्राइंड करने के लिए इसका यूज़ करते थे मोटार्स एंड पेस्टल्स जो है देवर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टूडे वही मैंने बताया कि आज भी इनका इस्तेमाल हो ही रहा है और सेम टाइम पर जो पेल्योलिथिक टाइप के टूल्स हैं वो उस समय भी बन रहे थे और इस्तेमाल हो रहे थे जैसे मैंने आपको मीजोलिथिक साइड्स में बताया था कि उस समय हालांकि एक नए तरीके के टूल्स टाइनी टूल्स माइक्रोलिथ्स आ गए थे लेकिन पुराने टूल्स जो हैं वो तब भी चल रहे थे सिमिलरली न्योलिथिक में भी है यहां पर भी आपको नए तरीके के टूल्स पॉलिश टूल्स शार्प कटिंग एज वाले टूल्स वो देखने को मिल रहे हैं लेकिन पुराने टूल्स अभी भी बन रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं ठीक है और यह भी याद रखिएगा कि कुछ टूल्स जो है सारे के सारे एवरीथिंग वाज नॉट मेड ऑफ स्टोन स्टोन टूल्स इस तरीके के थे लेकिन कुछ टूल्स ऐसे हैं जो अभी भी बोन्स के हड्डियों के बने हुए थे ठीक है यहां तक बात समझे अब इसके बाद देखिए कई तरीके के जो अर्दन पॉट्स हैं यानी कि मिट्टी के बने हुए बर्तन अर्दन पॉट्स अर्दन मतलब होता है मिट्टी अर्थ मिट्टी का बना हुआ कई तरीके के अर्धन पॉट्स जो हैं वो भी पाए गए हैं उनमें से कुछ जो है वो थोड़ा सा उसमें किसी प्रकार का कोई डेकोरेशन कुछ सजावट होती थी और इनका इस्तेमाल भी चीज़ों को स्टोर करने के लिए ही किया जाता था अब लोगों ने इन पॉट्स का इस्तेमाल इन बर्तनों का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए भी शुरू किया और इस्पेशली इस तरीके की ग्रेन्स जैसे कि राइस है ना चावल लोग उसमें बना रहे हैं वीट मतलब गेहूं का ये किसी तरीके से कुछ बनाते होंगे या जो लेंटल्स वगैरह हैं दाल वगैरह जो है वो भी लोग इसमें बनाया करते थे और ये आज की डेट में भी मतलब उस समय ये इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट बन जाता है अब इसके अलावा लोगों ने क्लोथ्स वीव करना भी शुरू कर दिया लोगों ने कपड़े सिलना भी शुरू कर दिया अलग अलग तरीके के मटेरियल्स का यूज करके जैसे कॉटन ठीक है कॉटन जिसको उगाया जा सकता था उसके लोगों ने कपड़े बनाने शुरू कर दिए अब लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस कि क्या जो हमने ये चेंजेस देखे है ना इस पीरियड में हमने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं तो लेकिन क्या ये चेंजेस सब जगह पर एक ही साथ होने लगे ऐसा नहीं है कई सारे जगहों पर लोग जो हैं वो अभी भी हंटिंग और गैदरिंग वाली लाइफ ही जी रहे हैं और कुछ जगहों पर लोगों ने जो है वो फार्मिंग और हर्डिंग धीमे धीमे शुरू कर दी है और ये सब चीज़ों में भी कई हज़ारों वर्ष लगे हैं और कुछ जगहों पर लोग जो है वो अभी भी इन एक्टिविटीज़ को कंबाइन करते हैं कि कुछ सीजन्स में वो हंटिंग गैदरिंग करते हैं कुछ सीजन्स में फार्मिंग करते हैं ऐसा तरीके की चीजें चल रही हैं अब इसके बाद एक जगह का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है मेहरगढ़ मैंने आपको दिखाया था मैप में अभी उधर अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ मेहरगढ़ वहां पर देखो क्या हो रहा है ये साइट जो है पहली बात तो लिखा हुआ है एक फर्टाइल प्लेन पे नियर बोलन पास बोलन पास के पास बोलन पास पास मतलब दर्रा ठीक है जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं में में तो है, रास्ता के, के था, था और मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट यहां पर लोगों ने बार्ले और वीट उगाना शुरू किया और शीप और गोट को रियर करना शुरू किया मतलब इस एरिया में पहले इस पूरे के पूरे एरिया में यही एक ऐसा रीजन था मेहरगढ़ का जहाँ पर लोगों ने फार्मिंग यानी कि बारले वीट उगाना शुरू किया शीप गोट को रियर करना शुरू किया और इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट और ये एक ऐसा सबसे पुराना गांव है जिसके बारे में जानकारी मिलती है एट दिस साइट मैनी एनिमल बोन्स वर फाउंड कई सारी जानवरों की जो हड्डी वगैरह है वो भी यहाँ पर मिलती है और वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि डियर और पिक के बोन्स मिलते हैं और साथ में शीप और गोट की भी हड्डियाँ वगैरह यहाँ पर मिलती हैं और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको इस तरीके के जो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर हाउसेस देखने को मिल रहे हैं ठीक है इस तरीके का आपको यहाँ पर यह रेक्टेंगुलर या स्क्वायर हाउस देखने को मिल रहा है इस तरीके के भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं ठीक है इनमें चार या उससे ज़्यादा कंपार्टमेंट्स थे और उनमें से कुछ कंपार्टमेंट्स जो हैं वो स्टोरेज के लिए भी यूज किए जाते थे अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फीचर है कि जब लोग मरते थे तो उनके जो रिलेटिव्स थे या जो उनके फ्रेंड्स थे जो उनके रिश्तेदार थे जो उनके दोस्त थे वो लोगों को जो है एक रिस्पेक्ट पे किया करते थे और यहाँ के लोगों की एक थ्योरी थी या यहाँ के लोगों की आप एक कह सकते हैं एक बिलीफ था कि लोग ये मानते थे कि देर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ कि जिंदगी में मतलब मरने के बाद भी किसी फॉर्म में लाइफ जो है वो होती है ऐसा लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी ज़िंदगी होती है ये लोगों का बिलीफ था तो इसलिए यहाँ पर एक बरियल का अरेंजमेंट होता था कई सारी बरियल साइट्स बरियल साइट्स मतलब होता है जैसे लोगों को मरने के बाद जब दफनाया जाता है ना ज़मीन में गड्ढा खोद के दफनाते हैं तो उस तरीके की बरियल साइट्स यहाँ पर मिली हैं और इस तरीके की कई सारी बरियल साइट्स में एक जगह पर ऐसा है कि एक बरीड पर्सन को मतलब एक डेड पर्सन को जो मरा हुआ व्यक्ति है उसको बरी किया गया है उसको दफनाया गया है गोट्स के साथ जैसे यहां पर आपको ये इमेज के फॉर्म में दिख रहा है कि ये बरियल साइट है यहां पर एक इमेज एक मैन दिख रहा है उसके साथ यहाँ पर कुछ गोट्स जो है, है ना उनको भी बरी किया गया है उसके पीछे रीजन क्या है क्योंकि लोगों का यह मानना था कि देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ तो इसीलिए ये जो गोट्स वगैरह हैं वो उस आदमी को जो उसकी वो लाइफ आफ्टर डेथ वाली जिंदगी है उसमें एज अ फूड सर्व करेगा तो इसलिए एनिमल्स और मैन को साथ में बरी किया जाता था क्योंकि लोगों का मानना था कि देर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ और ऐसा एविडेंस हमें कहाँ पर मिलता है दैट इज एट मेहरगढ़ ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे जहां पर बरियल साइट्स मिले हैं जहां पर एनिमल्स और मैन को साथ में बरी किया जाता है और ड्यू टू देयर बिलीफ कि जो उनका एक विश्वास था या जो उनकी एक मान्यता थी जो उनकी एक धारणा थी कि देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ कि मरने के बाद भी जिंदगी का कोई एक रूप होता है तो उसके लिए ये लोग ऐसे एनिमल्स को डेड मैन के साथ डेड पर्सन के साथ बरी करते थे ठीक है तो आई होप यहां तक बात आप पूरी समझ गए अब इसके बाद यहां पर इन्होंने एक ये जो एल्सवेयर वाला फीचर है इस बुक में कि थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताते हैं तो यहां पर इन्होंने जैसे एक फ्रांस की केव पेंटिंग का जिक्र किया है अपनी एटलेस में आप ये कह रहे हैं फ्रांस देखिए वो मैं आपको भी दिखा दूंगा ये नीचे एक पेंटिंग दी गई है ये फ्रांस की एक केव की है इस साइट को जो है वो चार स्कूली बच्चों ने लगभग सौ साल पहले डिस्कवर किया है ये पेंटिंग्स लगभग बीस हजार से दस हजार साल पहले बनी है इनमें से ज्यादातर जो है वो जानवरों की है जैसे कि वाइल्ड हॉर्सेज है ना औरक्स एक ओल्डर वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल बाइसन वूली राइनोसोरस रेनडियर बियर और ब्राइट कलर्स में इनको पेंट किया गया है ये कलर जो है वो कुछ ऐसे मिनरल से बने हैं लाइक ओकरे और आइनर आइनारो चारकोल और ऐसा पॉसिबल है कि दीज पेंटिंग्स वर ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स कि किसी खास सेरेमनी के समय में किसी खास अवसर पर इस तरीके की पेंटिंग्स की, की जाती थी और ये फिर या या तो फिर ये किसी स्पेशल रिचुअल्स के दौरान बनाई जाती थी जब जो हंटर्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते थे जब वो प्रे की जब वो अपने शिकार की तलाश में जाते थे तब ठीक है मतलब ये वाला तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है बट फिर भी मैं कवर इसलिए करूंगा इस तरीके के पॉइंट्स क्योंकि पास्ट में जब हमने एन पढ़ाई थी तो लोगों का ये थोड़ा सा एक मतलब शिकायत कह सकते हैं या ये एक रिक्वेस्ट थी कि जो भी इस तरीके के पॉइंट्स वगैरह में भी चीज़ें दी जाती हैं बॉक्सेस में उनको छोड़े ना ठीक है उनको लीव ना करें इसलिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करूँगा लेकिन जो यहाँ पर अगले इसमें पॉइंट दिया हुआ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लिखा है कि आप अपनी एड्रेस में टर्की देखिए मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पर एक बहुत फेमस न्यूलिथिक साइट है दैट इज़ नोन एज कैटाल हुयूक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है मैं आपको अभी मैप में दिखाता भी हूँ इसको कैटाल हुयूक

और वो यहाँ के सेटलमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं और ये याद रखिए कि कोई भी कार्ड्स वगैरह उस समय नहीं होते थे और ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो लोगों की पीठ पर ठीक है ऑन द बैक ऑफ कैटल्स है ना ऑन द बैक ऑफ पैक एनिमल मतलब जो कैटल्स वगैरह हैं या लोगों हैं उनकी पीठ पर ही चीज़ें लाई जाती थी ठीक है यहाँ पर कुछ टर्म्स और भी दिए गए हैं जैसे कॉडीज़ और शेल्स तो ये क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक बार ये भी दिखा देता हूँ वैसे आप जानते होंगे ये जो है दीज आर नोन एज कॉडीज़ ठीक है इनको कॉडीज बोला जाता है और इसके बाद शेल्स का भी जिक्र किया गया है तो मैं आपको एक बार शेल्स भी दिखा देता हूँ कि वट आर शेल्स ये होते हैं शेल्स ठीक है दीज आर नोन शेल्स ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी जिनको आप सीपिया वगैरह भी बोलते हैं तो शेल्स कॉडिस ठीक चलो अब एक काम करते हैं थोड़ा सा मैप में चलते हैं और मैप में चल के जो वो टर्की में जगह बताई है कैटाल ह्यूक वो मैं आपको दिखाता हूँ न्योलिथिक साइट है वो है ना देखो तो ये हमारा वर्ल्ड का मैप है इसमें हमें पता है कि टर्की कहां पर है यहां पर है मैं जूम करूंगा देखो ये टर्की है मैंने बताया तुर्की है नाम से इसको जाना जाता है इसी में अगर मैं जूम इन करते चलूंगा तो यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा देखो कहां पर है ये एग्जैक्टली exactly. आपको एटलेस में नहीं दिखाई देगा ठीक है एटलेस में वो कहता है कि देखो बट एटलेस में देखना मुश्किल है क्योंकि एटलेस में आप इतना जूम नहीं कर सकते देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कैटाल होयुक मैं इसको अगर थोड़ा और जूम इन करूंगा तो यहां पर लिखा भी गया है इट इज आ न्यूलिथिक साइट ठीक है देखो अभी देखो देखो। दिख रहा है मैं जितना जूम करते जाऊंगा वो उतना छोटा होता जाएगा इससे ज्यादा नहीं हो रहा है दिख रहा है नहीं दिख रहा है कैन यू सी इट विजिबल है अब कितना विजिबल है मैं कह नहीं सकता बट आपको आई थिंक दिख रहा होगा कैटाल न्यूलिथिक सेटलमेंट एक्सकवेशन साइट ठीक है न्यूलिथिक सेटलमेंट एक्सकवेशन साइट तो ये इंपॉर्टेंट है ठीक है कभी एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो डरना घबराना नहीं कि कहां से पूछा क्लास सिक्स के एनसीईआरटी में दिया हुआ है कैटाल होयूक इट इज अ फेमस न्यूलिथिक साइट इन टर्की ठीक है ध्यान रखना क्लियर हो गई बात चलिए तो ये चैप्टर हमारा इसी के साथ कंप्लीट हो गया तो सेशन को इतना ही रखेंगे और अगले लेक्चर में अगले सेशन में हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे ठीक है तो इस सेशन में आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप फुल कोर्स और पी नोट्स में एनरोल करना चाहते हैं तो बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कराया जाएगा हमारी वेबसाइट और ऐप के थ्रू हमारी वेबसाइट है ओकुल और प्ले स्टोर से आप हमारा ओकुल सर्च करके ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी तब तक के लिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी आपके डाउट्स हैं जो क्वेरीज हैं वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कोई और सजेशन फीडबैक देना चाहें तो वो भी ज़रूर आप लिख सकते हैं और हमारा जो ये चैनल है ओकुल हिस्ट्री ओकुल इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया पर भी इंक्लूडिंग टेलीग्राम फेसबुक इंस्टाग्राम लिंकडिन ट्विटर थ्रेड्स जहाँ पर भी आप लोग अवेलेबल हैं उसके थ्रू भी आप हमसे कनेक्शन बना सकते हैं और अपनी कोई भी बात इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी हम तक पहुँचा सकते हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे अगले सेशन में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ थैंक यू हैव अ नाइस डे बाय